आज हम जिस देश के सफर पर निकलने वाले हैं, उस देश के लोगों का फेवरेट खेल है फुटबॉल। ये देश फीफा फुटबॉल कप का 5 बार विजेता रह चुका है। ऐसा देश जहां गन्ना सबसे ज्यादा होता है। यहां के लोगों को डांस और पार्टी बहुत पसंद है। यहां के समुद्री बीच की खूबसूरती देखने लायक है। यहां की कॉफी वर्ल्ड फेमस है और ये दुनिया के सबसे बड़े कॉफी एक्सपोर्टर भी हैं। हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील की। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्राजील की खासियत, ब्राजील का शहर साओ पाउलो, फेमस फूड। सबसे पहले आपको बता दें कि ब्राजील का ऑफिशियल नाम है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। देश की जनसंख्या करीब 21 करोड़ के आसपास है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश में ब्राजील 5वें नंबर पर आता है। ब्राजील 85,15,767 वर्ग किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। ब्राजील एक दक्षिण अमेरिका देश है। इसकी सीमा उत्तर में वेनेजुएला, गयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गियाना और पश्चिम में अर्जेंटीना, पाराग्वाई, बोलिविया, पेरू और उत्तर पश्चिम में कोलंबिया से मिलती है। वहीं दक्षिण में इसकी सीमा अटलांटिक महासागर को छूती है। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। ये काफी नया शहर है। इसे बसाने में कुल 41 महीने ही लगे थे। ब्राजील में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको सरप्राइज कर देंगी। यहाँ हाईवे पर कभी कभी एनाकोंडा देखने को मिल जाते हैं। यहाँ खूबसूरत सी बीचेस हैं, जिसे देखने के लिए ही टूरिस्ट यहाँ आते हैं। ब्राजील में ऐसा एक आइलैंड भी है जहाँ सिर्फ सांप ही सांप है। इस आइलैंड का नाम है स्नेक आइलैंड। यहाँ करीब 4,000 से 5,000 की संख्या में सांप रहते हैं। यहाँ आम लोगों के जाने पर प्रतिबंध है। यहाँ का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न है। ब्राजील का सबसे अमीर और सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है साओ पाउलो। ये शहर ट्रैफिक जाम के लिए जाना जाता है। 2013 में यहाँ 292 किलोमीटर लंबा जाम लगा था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यहाँ दुनिया भर के म्यूजियम, गैलरी और थिएटर जैसे टूरिस्ट प्लेस हैं। ब्राजील का ये शहर टूरिस्टों को अपनी ओर खींचता है। पार्के डो इबिरापुरा। इस पार्क में कुछ बेहतरीन मूर्तियाँ और पेड़ हैं। ये पार्क 2 वर्ग किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है। यहाँ आकर आप सुकून का अनुभव करेंगे। कैथेड्रल मेट्रोपोलिटाना डे। ये चर्च 1912 में शुरू हुआ था। चर्च में 8,000 लोग बैठ सकते हैं। चर्च को बनाने में 800 टन से ज्यादा बेहतरीन संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गोथिक चर्च है। एडिफिसियो इटालिया। अगर आपको शहर का बेहतरीन नजारा देखना है तो इस इमारत के करीब 46 मंजिलों पर चढ़ना होगा। यहाँ आलिशान रेस्टोरेंट्स भी हैं। नोसा सेनहोरा द लूजू। कॉन्वेंट और चर्च पारंपरिक वास्तुकला के आदर्श उदाहरण हैं। इसमें लगभग 11,000 वस्तुओं का संग्रह है, जिसमें 16वीं से 19वीं शताब्दी तक की मूर्तियाँ, तस्वीरें, फर्नीचर जैसी चीजें शामिल हैं। ब्राजील का नेशनल फूड है फिजोआडा, जो बीन्स, पोर्क और बीफ टेंडरलाइन, चावल, कसावा, जड़ी बूटियों और कटी हुई नारंगी से बनाया जाता है। इसके अलावा ब्रिगेरियर यानी दूध से बने टफल्स, पेस्टल, एक तरह की पेस्ट्री जिसे यहाँ लोग काफी पसंद करते हैं। ब्राजील घूमने के लिए अप्रैल से जुलाई और जुलाई से सितंबर का समय बेहतरीन माना जाता है। दिल्ली से आपको ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया के लिए फ्लाइट मिलेगी। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमें फॉलो करें और अपने सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर करें।